नमस्कार दोस्तों, फार्म में चिक्स आ चुके हैं और उनके लिए हम कुछ दवाइयाँ भी लाए हैं। 6000 हमारे चिक्स आए हैं जो सुबह 4 बजे आए थे और हम इनको 8-10 बजे के आसपास हमने छोड़ दिया था। तब से हमें कोई भी गैस ब्रूडर या भट्टी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अभी शाम के 4-5 बजे टेम्परेचर हमें कुछ कम लगा तो हमने गैस ब्रूडर भी चला दिया है। और साथ ही साथ हमारा पानी ख़त्म हो गया था। चिक्स में हमने पहला पानी सादा ही लगाया था तो वो पानी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं हम आपको वो भी दिखाते चलते हैं। तो आपको बता दें हम क्या क्या लाए हैं। हम लाए हैं एक तो चिकटोनिक, आप देख पा रहे हैं कि चिकटोनिक है, मल्टीविटामिन, और साथ में हम लाए न्यूडोक्स। इधर हम पानी लगा रहे हैं तो उसमें न्यूडोक्स भी हम मिला के चल रहे हैं। और न्यूडोक्स हमारी यहाँ पे जो कि पैकेट हमने खोल दिया, हम इसको रोशनी की तरफ ले चलें क्योंकि फार्म में अभी पूरे में रोशनी नहीं हुई है, अंधेरा भी हुआ नहीं है। तो ये आप देख पा रहे हैं ये है न्यूडोक्स, और इसकी MRP भी आपको दिखा दें जो कि अब महंगी हो चुकी है पहले के मुकाबले। यहाँ पे 667 रुपये, पहले काफ़ी सस्ती हुआ करती थी। और हम डालने के लिए भी आपको बता दें, तब भी आप किसी दुकान से न्यूडोक्स लेते हैं तो उसके वहाँ पे आपको चम्मच मिलेगी जिसको आप 20 से 25 लीटर की एक बाल्टी में एक चम्मच डाल करके 1 ग्राम 5 से 6 लीटर के आसपास का डोज बना सकते हैं। तो हम फिलहाल जो भी आपके सामने डाल रहे हैं एक चम्मच एक बाल्टी में डाल करके फार्म में लगा रहे हैं। और साथ में हम आपको दिखाएं हमने गैस ब्रूडर फिलहाल एक ही स्टार्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया बना रहा है और काफ़ी दूर से ही हमें गर्मी से महसूस हो रही है। और अभी हमने एक ही गैस ब्रूडर जलाया है क्योंकि अभी शाम के 4-5 ही बजे टेम्परेचर कुछ 80 से नीचे आ रहा था तो हमने इसको जला दिया है। इसके साथ ही हम आपको दिखाएं हमने लगाए कितने हुए, 2 यहाँ पे लग रहे हैं, फिर उसके बाद 2 लग रहे हैं, और हमने टोटल इसमें 8 गैस ब्रूडर लगाए हुए हैं जिनकी हो सकता है हमें ज़रूरत ना पड़े इतने जलाने की, लेकिन हमने सेफ्टी के लिए काफ़ी गैस ब्रूडर लगा दिए हैं क्योंकि रात में 4 बजे के आसपास अगर सर्दी ज़्यादा तेज़ भी हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो आपको गैस ब्रूडर दिख रहे होंगे, हमने इसमें 8 गैस ब्रूडर लगाए हुए हैं। और ये देखो 2 सिलेंडर उधर रखे हुए हैं और 2 सिलेंडर एक यहाँ पे ये सामने और दूसरा वहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक गैस ब्रूडर जलाया, अब हम इसके क्रॉसिंग में ही दूसरा जलाएंगे, यानी कि हम जब भी शाम के 5-6 बजेंगे हमें लगेगा कुछ टेम्परेचर कम है तो हम इसके क्रॉसिंग में ही कोई गैस ब्रूडर जलाएंगे। और टेम्परेचर भी हम आपको दिखा दें, अभी कुछ देर पहले 78 के आसपास आ गया था तो हमने सोचा एक गैस ब्रूडर जलाएं क्योंकि फार्म को क्या है धोया भी था हमने और सफ़ेदी वगैरह भी की थी तो सीलन की वजह से फार्म का टेम्परेचर कम ही था। अभी आपको टेम्परेचर मीटर में आपको दिख रहा होगा 82+ जा चुका है टेम्परेचर और हम रात में लगभग 80 से 82 ही टेम्परेचर रखेंगे क्योंकि हमने अखबार के नीचे जो भूसी डाल रखी है उससे टेम्परेचर ठीक रहता है। तो डायरेक्ट रेत पर हमने चिक्स को छोड़ा नहीं हुआ है इसलिए हम 80 टेम्परेचर भी रखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और साथ में हमने जो फीडर हैं वो गत्ते के काट के बनाए हुए हैं तो इसी में चिक्स बैठ जाते हैं तो इतना सर्दी में दिक्कत नहीं आती इनको। और हो सकता है मैं 4 से 6 भट्टियों में ही रात में काम चल जाए और ज़्यादा चलानी पड़ेगी तो हम आपको कल बताएंगे। बाकी हमारे पास 8 गैस ब्रूडर की सुविधा इतनी जगह में कर रखी है, हम आपको इस जगह की लेंथ भी बता देते हैं। हमने दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाइपें, यानी कि 10 फुट का एक गैप है तो 60 फुट इसकी लंबाई हो गई है और लगभग 36 फुट के आसपास फार्म की हमारे चौड़ाई है। कुछ फार्मर भाई पूछते हैं कि ज़्यादा चौड़ाई से क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फार्म की चौड़ाई कम करें। भाई फार्म की चौड़ाई से फार्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो कहते हैं कि 25 फुट का फार्म होना चाहिए, 30 फुट का फार्म होना चाहिए या 20 फुट का, ये सब अफवाह होती है। आप उस हिसाब से सुविधा कीजिए जिस हिसाब से आपका फार्म की चौड़ाई है। गर्मियों में अगर आपको लगता है कि भाई फार्म की चौड़ाई से हवा नहीं पास हो रही तो आप उसके लिए एग्जॉस्ट लगाए फार्म के अंदर, लेकिन फार्म की चौड़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चौड़े फार्म में टेम्परेचर अच्छे से बनता है और गर्मियों में भी अगर आपका फार्म चौड़ा है और आप अच्छे से फुहारा वगैरह चलाते हैं, पंखा चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। या आप इसी साइड बनाते हैं तो फार्म की चौड़ाई आपको अच्छी ही रहेगी। कम चौड़ाई के फार्म इसी साइड में अच्छे भी नहीं होते हैं। तो फार्म की चौड़ाई से हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमारे पास 40 फुट के भी फार्म है, 30 फुट के भी फार्म है, हमें चौड़ाई से आज तक उनमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है। उस हिसाब से हमें सुविधा करनी होती जिस हिसाब से हमारे फार्म की चौड़ाई है। तो देखो हमने न्यूडोक्स का पानी लगाना शुरू कर दिया है और रात में पूरी रात न्यूडोक्स का पानी चलेगा। कल सुबह से वापस से जो हमारी चिकटोनिक का पानी है वो चलेगा। 5 दिन के लिए हम सुबह चिकटोनिक लगाएंगे और वैक्सीनेशन के आसपास तक हम न्यूडोक्स का भी
इस्तेमाल करेंगे, या कहें कि हमारा ये पैकेट तब तक चलेगा जब तक हम न्यूडॉक्स इसमें लगाएंगे। हम एक ही चिक्टोनिक और एक ही न्यूडॉक्स फार्म में लगाएंगे, इससे ज़्यादा हम दवाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी इतनी महंगाई नहीं आई है, या हमें आगे भी नहीं दिख रहा है कि बहुत अच्छा रेट मिलेगा, तो ज़्यादा दवाई लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चिक्स में अगर प्रॉब्लम होती है या चिक्स में लगता है कि हाँ कोई दवाई लगानी चाहिए, या डॉक्टर की सलाह कहती है कि भाई चिक्स दवाई मांग रहा है, तो बिल्कुल लगाओ। वैसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता दवाई लगाने का, दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फीड में काफ़ी दवाइयाँ मिल के आती है जो चिक्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और चिक्स वैसे ही वजन कर जाता है। और कोब का चिक्स है, आप देख पा रहे कोब 430 है ये, इसमें वैसे ही मोर्टेलिटी भी कम होती है और इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये हमारे 6000 चिक्स आ चुके, और 6000 ही जल्दी इसके पास में जो दूसरी साइड है उसमें भी आएंगे, तो जल्दी हम उनकी भी वीडियो बनाएंगे और हम दिखाएंगे आपको कि आगे हम सर्दी में क्या क्या कर रहे हैं या हम क्या लगा रहे हैं। अभी तो देखो गैस ब्रूडर 8 में काम चल रहे, जब ज़्यादा तेज़ सर्दी आएगी तो हो सकता है हमें इतनी ही जगह में 12 गैस ब्रूडर लगाने पड़े, और हम एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं, क्योंकि भाई रात में ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर कम हो गया और फिर आप एकदम से कोई जादू से टेम्परेचर बना दोगे। इसलिए पहले से सुविधा करें और उस हिसाब की सुविधा रखें कि अगर रात में टेम्परेचर कम भी हो जाता आप 2 भट्टी या गैस ब्रूडर जला करके टेम्परेचर को बना पाएँ, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि अगर रात में टेम्परेचर टूटता है तो आप या तो बच्चे को इधर से उधर हिलाओगे या फिर आप भट्टियों को जलाओगे। तो इसलिए पहले सुविधा पूरी करके चलें, बाद में चिक्स में मोर्टेलिटी होती है तो आप सोचते हो चिक्स में कमी है, बाद में पता चलता है कमी हमारी थी। तो इसलिए पहले सुविधा पूरी करें, टेम्परेचर को लगभग 82 के आसपास छोटे चिक्स में रखे ही रखें। 3-4 बजे अगर आपको लगता है कि भाई सर्दी है और टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा है, तब आपका 80 के आसपास आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना फर्स्ट जो चिक्स की फर्स्ट नाइट जो होती है उसमें कम से कम आप कोशिश करें 85 के आसपास का ही टेम्परेचर रखने की, और वही कोशिश अब हम करेंगे। 82-83 के आसपास हमारी एक ही ब्रूडर से भी बन जाएगा, और हमें लगभग 8-9 बजे के आसपास दूसरा ब्रूडर जलाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें 1 बजे के आसपास शायद 2 गैस ब्रूडर और जलाने पड़े, और हो सकता है उसी से हमारी पूरी रात कट भी जाए, वरना हमें 3-4 बजे के आसपास कोई भी एक गैस ब्रूडर की एक तरफ जलानी पड़ेगी। तो लगभग हमने आइडिया लगा रखा है कि हमें 4-5 गैस ब्रूडर जलाने पड़ेंगे, और शायद इससे ज़्यादा हमें जलाने भी ना पड़े, क्योंकि अभी इतनी भी सर्दी नहीं है, लगभग 55 के आसपास फारेनहाइट रात में आ रहा है और हमें उसको 85 ही करना है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आनी नहीं है। और इससे आगे अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो हम आपको बताते चलेंगे। देखो फार्म में एक मोर्टलिटी भी हो चुकी है, जो कुछ बच्चे जो होते हैं कि जो दाब मान जाते हैं या बॉक्स के अंदर ही कुछ दब जाते हैं उनकी मोर्टलिटी जल्दी हो जाती है। एक हमारे जब आए थे चिक्स एक बॉक्स में ही निकल आई थी मोर्टलिटी, और दूसरी हमें ये मिल चुकी है अभी तक, और बाकी आप देख ही रहे हैं हम नीचे भूसी बिछाई हुई है, इसको भी हम जल्दी ही जो अखबार से इधर उधर से भूसी निकल रही है इसको भी हम पेटेंट करा के अभी ढकवाएंगे, जिससे कि कम से कम भूसी बाहर निकले और अखबार को कम से कम गंदा करे, कुछ समय ज़्यादा दिन अखबार चले, 2-4 दिन हम चलाएंगे अखबार को, क्योंकि अखबार पर ही जो बच्चे गंदगी फैलाएंगे उसको हम अखबार के साथ ही बाहर कर देते हैं, उसके बाद जो कड़वी है या भूसी है उसका गंदे होने में टाइम लगता है और वो अच्छे से काम करती है, फार्म में गैस भी नहीं बनती है और कोई भी ऐसी गंदगी नहीं रहती जिससे कि चिक्स को कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहें हैप्पी पोल्ट्री फार्म चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।